तो क्या धार्मिक स्थल खोलने का ये सही वक्त है? इस पर एक विशेष डिबेट हमारी चल रही थी, उसे फिलहाल हमें रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यूपी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां की टेस्टिंग की फैसिलिटी लैब वहां नहीं है, उनको बहुत दूर भेजना पड़ता है अपने सैंपल्स को। तो जो वो इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, किसी की सर्जरी होनी है, किसी का और इलाज होना है, और उसमें अगर वो संदिग्ध है कि एक कोरोना संक्रमित हो सकता है, अगर उसके टेस्ट की आवश्यकता है, तो उन सुदूर जनपदों में भी जहां टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है, ट्रूनेट मशीन के माध्यम से ये टेस्टिंग हो सकेगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जनपद को एक एक उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरे 75 जनपदों में एक एक मशीन ये उपलब्ध कराई जा रही है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2,936 लोग रखे गए हैं जिनका उपचार चल रहा है, और क्वारंटाइन फैसिलिटी में इस समय 9,556 लोगों को रखा गया है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से हम लगातार टेस्ट करके अपनी हम जो टेस्टिंग क्षमता है उसको हमने बढ़ाया है, और कल भी 5-5 सैंपल के 667 पूल लगाए गए, 667, और 10-10 सैंपल के 55 पूल लगाए गए। पांच सैंपल वाले जो पूल थे उसमें 667 में से 102 में पॉजिटिविटी पाई गई, और 10-10 सैंपल के जो पूल थे 55, उनमें से 8 में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार निरंतर हम प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और अब तक हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से 44,079 लोगों को हम फोन कर चुके हैं। जिन्हें भी अलर्ट जारी होता है आरोग्य सेतु से, वो सूचना हमारे पास प्राप्त हो जाती है, और फिर हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से उन सभी लोगों को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा जाता है। इसके अलावे हम जिलों में भी ये सूचना उपलब्ध कराते हैं, और जिले से भी उनका हालचाल पूछा जाता है। 44,079 लोगों में से 114 लोगों ने यह बताया है कि वो इस समय संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। 51 लोगों ने बताया कि उनका इलाज हो चुका, वो अब डिसइन्फेक्ट होने के बाद वो अपने घर वापस जा चुके हैं, और 1,322 लोग वर्तमान में क्वारंटाइन फैसिलिटी में हैं। कंटेनमेंट एक्सरसाइज के लिए सर्वेलेंस की बड़ी भारी भूमिका होती है, और उसके लिए हमारी टीम्स लगातार सभी जनपदों में, हॉटस्पॉट एरियाज में और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में लगातार सर्वेलेंस का कार्य करती हैं। अब तक 13,223 इलाकों में, जिसमें 3,572 हॉटस्पॉट और 9,651 नॉन हॉटस्पॉट एरिया हैं, इनमें सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। 98,247 टीम दिवस के माध्यम से 76,80,272 हाउसहोल्ड का, घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,87,14,819 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर जो हमारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी ट्रैकिंग हो रही है, और अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 11,11,869 माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रैकिंग की गई है, और इसमें उन्होंने 1,022 लोगों को सिम्टोमेटिक पाया है, किसी न किसी लक्षण के साथ पाया है, और उनके सैंपलिंग करके उनकी जांच की जा रही है। इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है उस पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी उस पर ध्यान दें। जो भी जिसको भी जुकाम या सर्दी खांसी या सांस लेने में तकलीफ, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, उनको चिन्हांकित करना और उनका नमूना लेना, सैंपल लेना, उसकी जांच करवाना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए हम बहुत शीघ्र आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर और ANMs और जो लोग इस तरह की चीज़ों की, बीमारियों की दवाइयां बेचते हैं, प्राइवेट फार्मासिस्ट जो फार्मेसी स्टोर्स हैं उनके लिए, और जिसको वास्तव में ये समस्या हो रही है उनके लिए, हम सोमवार तक हम एक डेडिकेटेड फ़ोन नंबर हम जारी करने जा रहे हैं, जिस पर वो सीधे ही फ़ोन करके बता सकेंगे, और हम फिर स्टेट कंट्रोल रूम से, जिलों से ये हम फीडबैक लेंगे कि इन लोगों की ये समस्या आई है, इनके ILI टाइप का इनको बीमारी हो रही है, और आप तत्काल इनका सैंपल लीजिए, इनकी जांच कराइए, और आवश्यक हो तो इनका अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो इलाज कराइए। ये आपके माध्यम से मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि ये संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है,
और जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन का बहुत ही मजबूती से इसका पालन करना है, और जो निगरानी समितियां हैं उनको मजबूती से इसका पालन करवाना है। इसी प्रकार से जो और भी माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा जो और लोग भी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हमने प्रोटोकॉल को बहुत ही सरल रखा है, चाहे वो हवाई जहाज़ से आ रहा हो चाहे वो ट्रेन से आ रहा हो, ये समझते हुए कि व्यापारिक गतिविधियां भी चलनी हैं और गतिविधियां भी चलनी हैं, इसलिए जो लोग भी हमारे प्रदेश में एक सप्ताह से कम अवधि के लिए आ रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी हम सूचना ले रहे हैं, उनकी हम निगरानी कर रहे हैं। जो लोग भी उससे ज़्यादा अवधि के लिए आ रहे हैं उनको हम 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से भी जो हवाई यात्रा करके उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, अगर वो 7 दिन से अधिक के लिए यहाँ आए हैं तो उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना है। इसमें किसी भी प्रकार के वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत इसमें उनको सजा हो सकती है। तो वो 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहें, और उसमें एक छूट है कि अगर वो 6ठे दिन अपनी जाँच करा लेते हैं और उसमें जाँच में वो निगेटिव आते हैं तो फिर वो उनका होम क्वारंटाइन समाप्त हो जाएगा और वो फिर अपनी जो भी उनकी गतिविधि है उसको वो कर सकते हैं। लेकिन जिसके भी होम क्वारंटाइन है या जिसके लिए भी जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसका वो पालन जरूर करे, क्योंकि ये समाज के हित में है, लोक स्वास्थ्य के हित में है। इतना बड़ा प्रदेश जहाँ 23 करोड़ की आबादी है, वहाँ अभी भी हम इस संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। ये जो लोगों का समुदाय का सहयोग प्राप्त हुआ है उसी की वजह से हुआ है, जो हमारे ग्राम निगरानी समितियों ने, जो हमारी मोहल्ला निगरानी समितियों ने जो अच्छा काम किया है उसकी वजह से हो रहा है। और जो लोग, समाज के लोग जो अपना दायित्व समझ रहे हैं, जो अपने मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं या कहीं भी वो जा रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रख रहे हैं, अपने हाथ को साफ कर रहे हैं साबुन से या सैनिटाइजर से, तो इन चीज़ों को करके हमें अपने को भी बचाना है संक्रमण से और दूसरों को भी बचाना है। ये संक्रामक बीमारी है, किसी को हो सकती है। मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि इससे अगर किसी को ये हो जाए तो उसके प्रति मन में किसी प्रकार की दुर्भावना मत लाइए। और अगर ये व्यवस्था बड़ी स्पष्ट है शासनादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से कि अगर किसी के पास घर में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है तो उसको सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा, वहाँ उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी के घर में व्यवस्था नहीं है तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि गांव के लोग उसे कहीं बाहर रख दें या वैसा करें, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बाहर हैं तो उनकी व्यवस्था किसी स्कूल में या गाँव के ही पंचायत घर में बहुत ढंग से होनी चाहिए, किसी के भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये लोक स्वास्थ्य का प्रकरण है और लोक स्वास्थ्य को हम एक दूसरे को बचाने के लिए ये सारी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा आप सबों से अनुरोध होगा कि इससे घबराएं नहीं बीमारी से, इस बीमारी से 95% लोग बिना किसी प्रयास के स्वयं ठीक हो जाते हैं, केवल 5% में समस्या देखने में आ रही है जिसके इलाज के लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था है। तो बिना घबराए हुए और साबुन पानी से हाथ धो करके, मास्क, दुपट्टा, रुमाल, गमछे से मुंह को ढक के, मुंह नाक को ढक के और 2 गज की दूरी मेंटेन करके इस बीमारी से अपना भी बचाव करिए, दूसरों का बचाव करिए, खास करके गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों, बीमार लोग जो हैं, कमजोर लोग और छोटे बच्चों, इन सबों से दूर रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब लोग मिलकर के प्रदेश में इस संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल होंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो बाकी की सब बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक सुबह 10:30 बजे आयोजित की। टीम 11 के सभी वरिष्ठ अधिकारी और माननीय स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जी वहां उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और आदेश जारी किया है कि हर पंचायत में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसको 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल ग्राम प्रधान द्वारा
पंचायत द्वारा दी जाएगी, उसके खाते में धनराशि दी जाएगी जब तक उसका राशन कार्ड न बन जाए। यानी कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अगर है कहीं भी किसी गांव में, तो यदि उसका राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड बनने में समय लग रहा है, तात्कालिकता से ग्राम प्रधानों को धनराशि दी गई है पंचायती राज विभाग द्वारा, जो वो सीधे उन व्यक्तियों के खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। चूंकि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, काफ़ी लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं, काफ़ी लोगों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, लेकिन फिर भी यदि बाहर से कोई व्यक्ति आया है और तात्कालिक रूप से उसको कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी जो है चिकित्सकीय व्यवस्था चाहिए, तो उसको 2,000 रुपया ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा उसको उसके खाते में दिया जा सकता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं और ये इस कारण से किया गया है क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा लोग, श्रमिक और मजदूर, उनका परिवार, उनके बच्चे जो है अन्य अन्य प्रदेशों से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो तात्कालिकता की दृष्टि से कहीं किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, ये आदेश मुख्यमंत्री जी ने देते हुए ग्राम पंचायतों को आदेश दिया है, ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी दी है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे और ग्राम प्रधान जिम्मेदार होंगे यदि कहीं भी किसी भी ग्राम में आवश्यकता होगी धनराशि वो जारी करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, निराश्रित है, तो उसके संदर्भ में भी 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो श्रमिक आ रहे हैं, जो कामगार आ रहे हैं, उनके लिए रेलवे स्टेशन का रिव्यू किया, उनको एक सुखद अनुभूति हुई कि आज जहां 1550 ट्रेन, पूरे देश में ये रिकॉर्ड है, 1550 ट्रेन्स अब तक प्रदेश में श्रमिकों को लेकर आ चुकी है, 21 लाख से अधिक एक एक व्यक्ति का विवरण सहित, मोबाइल नंबर सहित विवरण हमारे पास है, जो रेलवे के माध्यम से कई प्रदेशों से ट्रेनें आई हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये सुखद अनुभूति की कि उनके ही अपने जनपद गोरखपुर में 257 ट्रेनें जो है 331,000 यानी 3,31,000 लोगों को केवल गोरखपुर में लाया गया है। कल चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने इस बात की तारीफ की कि पूरे देश में रिसीविंग स्टेशन के रूप में गोरखपुर में 250 से अधिक यानी 257 ट्रेनें जो है अब तक आ चुकी हैं, और ये भी एक रिकॉर्ड है कि 3,31,000 लोग एक जनपद में उतरे हैं रेलवे स्टेशन पर। मुख्यमंत्री जी ने ये भी नोट किया कि हमारे प्रदेश में लखनऊ में ही 109 ट्रेनें आई हैं, जौनपुर में 125 ट्रेनें आई हैं, बलिया में 69, प्रयागराज में 63, प्रतापगढ़ में 74, वाराणसी में 111 ट्रेनें आई हैं। इसके साथ साथ गोंडा में 69 ट्रेन्स आई हैं, बस्ती में 85 ट्रेन्स आई हैं, 99 ट्रेन्स देवरिया में आई हैं। काफ़ी संख्या में ट्रेन्स अब आ चुकी हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। आज 28 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ रही हैं और अब कुल मिलाकर 1606 ट्रेनों के लिए अनुमति दी गई है, जो लगभग 22 लाख लोग इस चरण में रेलवे से आए हैं। रेलवे से आने वाले लोगों के साथ साथ जो अभी बसों से आए हैं, वो आंकड़ा अब जो है 8,000 बसों से लगभग 2.75 लाख लोग बस से केवल आ चुके हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, यानी हमारे समीपवर्ती जनपद प्रदेशों से लोग बसों से निरंतर उनका सिलसिला आने का जारी है। झांसी में अभी भी डेली 2 ट्रेन जो है हमारे प्रदेश के लोग और कुछ बिहार के लोग ट्रेनों के माध्यम से झांसी से पूर्वांचल तक भेजे जा रहे हैं। जो आंकड़ा अभी तक है,
सबसे अधिक ट्रेन गुजरात से आई है 520, महाराष्ट्र से 398, पंजाब से 233, 53 ट्रेनें कर्नाटक, तेलंगाना 23, केरल 11, आंध्र प्रदेश 11, तमिलनाडु 35, मध्य प्रदेश 2, राजस्थान 36, गोवा 19, दिल्ली 21, और इसके साथ साथ हिमाचल, असम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से भी हमारे प्रदेश में ट्रेन आई हैं। यानी जो निर्देश मुख्यमंत्री जी का था, अक्षरशः पालन करते हुए हर प्रदेश से जहां भी हमारे मजदूर और श्रमिक आना चाहते हैं, उनके परिवार सहित आना चाहते हैं, उनको आज तक जो है 1,550 ट्रेनों में लाया गया है और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। 1,606 ट्रेनों का अब तक अरेंजमेंट हो चुका है, जिनमें से 1,550 आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज मेडिकल स्क्रीनिंग पर श्रमिकों और कामगारों को राशन किट देने का भी रिव्यू किया। ये जरूर उन्होंने आदेशित किया है कि कतिपय जनपदों में ये पाया गया कि घर पर व्यवस्था होम क्वारंटाइन की नहीं थी, उन्होंने इस बात का निर्देश दिया जिलाधिकारियों को कि जहां पर भी किसी के घर में अगर रहने की जगह नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको रुकने की व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि हर व्यक्ति के लिए उचित स्थान पर ही उनका क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया जाए अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए। निगरानी समितियों की जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण है। निगरानी समिति यह इंश्योर करेंगी, निगरानी समिति ये सुनिश्चित करेंगी कि गाँव में जो भी व्यक्ति आए एक उचित स्थान पर उनको रुकवाया जाए। गांव में किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर न छोड़ दिया जाए, किसी पेड़ के नीचे न छोड़ दिया जाए, गांव के हर व्यक्ति को उचित स्थान दिया जाए, स्कूल में रखा जाए, निजी मकान में रखा जाए और कुछ भी ना हो तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, जो सरकारी क्वारंटाइन है वहाँ भेजा जाए। सर्वेलेंस के कार्य के बारे में प्रमुख सचिव चिकित्सा ने बताया, पूरे देश में जो सर्वेलेंस का कार्य है, संभवतः पूरे देश में हमारे प्रदेश में सबसे अच्छी संख्या सर्वेलेंस की है और हमारे प्रदेश में ही अब जो है टेस्टिंग की क्षमता भी अगले 2-3 दिन में 10,000 क्रॉस कर जाएगी। टेस्टिंग में भी हमारा प्रदेश जो है संख्या के बल पर काफ़ी अधिक जो है इसमें बढ़ोतरी होगी। खाद्यान्न का वितरण 1 जून से होगा। अपील है पूरे प्रदेश में जो भी व्यक्ति कार्ड होल्डर है, निर्धारित मात्रा में, जो निर्धारित मात्रा कार्ड में दी गई है उसके अनुरूप अपने कोठेदार से जो है खाद्यान्न ले। यदि कोई उसको शिकायत है तो वहाँ जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर है उसको जरूर इसकी खबर दे। गौ आश्रय स्थलों में अब तक 3,133 भूसा बैंक स्थापित हो चुके हैं और इनके संचालन से भी जो है विशेष रूप से जो गाय और गौवंश है इनको आगे के लिए भोजन के लिए, इनके सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आकाशीय बिजली के लिए मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की है कि तकनीक अब ये बता सकती है कि किन क्षेत्रों में कब मौसम खराब होने के कारण आकाशीय बिजली की संभावना ज़्यादा रहती है। उन्होंने निर्देश दिया है राहत आयुक्त को कि ऐसा एक तकनीक विकसित की जाए कि उन क्षेत्रों में, उन जिलों में संचार माध्यमों के माध्यम से पहले से सूचना हो जाए कि अभी जो है आगे आने वाले समय में आकाशीय बिजली की संभावना रहेगी तो लोग बचें, बाहर न जाएं, पेड़ के नीचे ना खड़े हों, वर्षा के मौसम में बाहर कहीं भी अगर रहेंगे तो उनको जो है कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। टिड्डी दल के प्रकोप के लिए कीटनाशक रसायन की विशेष व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा की गई है। हमारे प्रदेश में जो है व्यापक रूप से टिड्डी दल को समाप्त करने के लिए कृषि विभाग ने कीटनाशक यानी दवा के छिड़काव के लिए जो है पेस्टिसाइड्स की व्यवस्था कर रखी है। कहीं भी बॉर्डर पर, कहीं भी जहां भी देखे गए हैं इन दलों को जो है पेस्टिसाइड छिड़क के और बाकी अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करके इनको दूर किया जा सका है। बरसात के मौसम में तालाबों की खुदाई बरसात से पहले करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तालाब की खुदाई करने से एक ओर मनरेगा के कार्य आगे बढ़ेंगे, दूसरे ओर तालाब के माध्यम से, खुदने के माध्यम से जलाशय जब क्रिएट होंगे तो वाटर लेवल को भी बढ़ाने में इसमें सहयोग मिलेगा। तालाबों से जल संचयन की क्षमता बढ़ेगी और वहीं मनरेगा में रोजगार मिलते हुए लोगों को इसका आर्थिक लाभ मिलेगा।
तो कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियां, चुनौतियां और अभी तक कितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या व्यवस्था की जा रही है, उसकी जानकारी दी जा रही थी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।